बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आज आपके लिए मैथ 9th क्लास यूनिट नंबर 7 रेडिकल इक्वेशंस से मुतल्लिका वीडियो है। आप कहेंगे चार चैप्टर मुकम्मल करने के बाद सातवां क्यों? वजह यह है कि 9th के अंदर पहले चार चैप्टर्स में से दो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी दो लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आपने करने भी दो होते हैं। अब आपको चाहिए ऑप्शन के लिए तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 और 6 में से एक मुकम्मल क्वेश्चन होता है, या यूनिट नंबर 6 और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के यूनिट में से एक सवाल कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन के लिए पांचवा छठा चैप्टर या छठा और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाला चैप्टर यानी जो चैप्टर नंबर 17 है करते हैं। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 और 17 है, इसके जो दो पार्ट यानी एक मुकम्मल क्वेश्चन, एक पार्ट सातवीं यूनिट से और दूसरा पार्ट 17वीं यूनिट यानी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से होता है, ये कदरे आसान होते हैं। आप देखेंगे ये 7वें चैप्टर की जो एक एक्सरसाइज हो रही है 5वें और 6ठे की निस्बत कदरे आसान है। तो ये सवाल अगर आपका पहले चार चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाता तो फिर बेहतर ऑप्शन 7वां और 17वां चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 और 17 होता है। इजी क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का भी इजी होता है और 7वें चैप्टर से भी इजी होता है। इसलिए पेपर सेटिंग को देखते हुए चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 से पहले चैप्टर नंबर 7 और 17 की वीडियोस होंगी, ताकि आपको एक ऑप्शनल एक इजाफी क्वेश्चन 7वें और 17 चैप्टर में से मिल सके। तो एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, वीडियोस को शेयर भी करें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर किसी जगह प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट्स की सूरत में लिखें ताकि आपका वो प्रॉब्लम भी हल कर दिया जाए। तो चलते हैं यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 की तरफ। उसके जो क्वेश्चंस स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं वो सारे के सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं, आसान हैं। एक दो बार आप जब वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशंस। ये नीचे लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 में, 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x+1/6। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं कि ओवर में 3 और 2 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है, हमने लिख दिया। दूसरी तरफ x+1/6 राइट साइड पे है, उधर भी एलसीएम 6 आता है, हमने लिख दिया। लेफ्ट साइड की तरफ जब 6 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 × 2 = 6 आंसर आता है, 2 पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2×2 = 4x हो जाएगा, लिख दिया। आगे ओवर में 2 है, 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3×1 = 3 और 7x उसी तरह आ जाएगा। दूसरी साइड पे 6 एलसीएम ले रखा है, आता भी 6 है। जिस नंबर जिस वेरिएबल के ओवर में कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो फिर एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 6x से मल्टीप्लाई हो गया 6x, और आगे 1/6 है, 6 को 6 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके 1 ही हो जाता है। अब 4x - 3x/6 दूसरी साइड पे 6x+1/6, 6 मुकम्मल ओवर में है, जो लेफ्ट हैंड साइड का 6 है डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ वाला भी 6 डिवाइड कर रहा है, तो इनको डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते।
जब यानी पूरी रकम का पूरे नंबर्स के ओवर में कोई नंबर आ जाए और वो कैंसिल हो रहा हो तो आप कर सकते हैं। 4x में से 3x माइनस किए तो x रह जाता है, राइट साइड पे 6x प्लस 1 है। 6x को उठाकर लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो जो नंबर जो वेरिएबल एक साइड पे प्लस होता है दूसरी तरफ जाके वो माइनस होता है, और जो माइनस वाला है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाता है। ये तो है प्लस और माइनस का रिलेशन। और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का भी समझ ले, जो नंबर एक तरफ मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके डिवाइड होता है, इस उस वक्त करते हैं जब ज़रूरत हो। जो नंबर एक तरफ डिवाइड होता है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x अपनी जगह पे रहेगा, 6x को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा इक्वल टू 1, वैसे प्लस 1 था, तो जब एक ही नंबर लिखा जाता है तो साथ प्लस का साइन नहीं डाला जाता है, ये प्लस 1 ही। अब x माइनस 6x, 6 बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 6 में से 1 को माइनस कर देंगे। 1 क्या है, x का कोफिशियंट, x का अधिसर है, माइनस किया तो माइनस के 5x आ गया और x साथ उसी तरह आ गया इक्वल टू 1। अब माइनस 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 1 को डिवाइड करेगा, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस 1/5। इस तरह हमारा सॉल्यूशन सेट यानी जो x की वैल्यू आ गई है वो माइनस 1/5 है। तो अब चलते हैं इसी स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 7.1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ, वो भी कुछ पार्ट नंबर 1 जैसा ही है। लिखा हुआ है x-3/3 माइनस x-2/2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ओवर में 3 और 2 है, पार्ट नंबर 1 की तरह इसका भी एलसीएम 6 आ गया, ले लिया। अब 6 को 3 पे जब डिवाइड करते हैं तो 6 2 नंबर आया, 2 ऊपर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, आगे माइनस का साइन लगा दिया। एलसीएम 6 को 2 पे जब डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 ऊपर x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कर दिया माइनस 1 उसी तरह लिख दिया। अब 6 लेफ्ट साइड पे डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाके माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6 और माइनस उसी तरह आ गया, यानी माइनस 6 आ गया। ऊपर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर तो 2x हो जाएगा माइनस 2 3 6 हो जाएगा, आगे माइनस 3 है, अंदर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ज़रब हो रहा है। 3 को मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आती, लेकिन जो माइनस का साइन बाहर है वो अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, माइनस 3x हो जाएगा और 2 जो है माइनस का था माइनस माइनस प्लस 6 हो जाता है। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे 2x माइनस 6 माइनस 3x और प्लस 6 आया है, माइनस के 6 और प्लस के 6 कैंसिल हो गए, प्लस का 2x है माइनस का 3x है तो माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए माइनस 3 में से 2 गए तो माइनस एक्स यानी माइनस 1x आ जाता है। 1 कोफिशेंट में लिखा नहीं जाता और ना ही पावर में लिखा जाता है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू हो गया है 6। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा सॉल्यूशन सेट है जी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 के स्मार्ट सिलेबस के जो भी पार्ट हैं वो हल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। रकम कुछ यूं दे दी गई है, 5 x-3/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 x/9। तो लेफ्ट साइड पे एलसीएम 6 ही आएगा क्योंकि एक्स के ओवर में कुछ नहीं है तो 1 है, लिख दिया। दूसरी साइड पे एलसीएम 9 आएगा, वो भी लिख दिया। अब 6 जो है 5 x-3 के ओवर में है वो तो उसी तरह आएगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x आ गया और 5 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 15 आ गया। x के ओवर में कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो बात पहले भी हो चुकी है कि एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस पहले मौजूद है वो लिख दिया, 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया, ओवर में 6 उसी तरह। दूसरी तरफ 9 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 9 माइनस x उसी तरह आ जाएगा क्योंकि ओवर में 9 है, 9 को 9 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1x से मल्टीप्लाई होगा तो x उसी तरह आ गया। अब एक तरफ यानी लेफ्ट साइड पे ओवर में 6 है, दूसरी तरफ ओवर में 9 है, 9 और 6 3 पे कैंसिल हो जाते हैं, हमने 3 पे कैंसिल किया, 3 2 6 3 3 9, वो इसलिए कैंसिल किया जाते हैं कि ये नंबर 6 और 9 तमाम नंबर्स के ओवर में आ चुके हैं, उस वक्त कैंसिल करना है जब तमाम नंबर्स के ये ओवर में मौजूद हों और कैंसिल हो रहे हों।
ऊपर 5x है, माइनस के 6x है, माइनस का x लिख दिया, माइनस के 15 उसी तरह, दूसरी तरफ 9 माइनस x उसी तरह, ओवर में इधर लेफ्ट साइड पे 2 आ गया था 6 को 3 पे कैंसिल करने से, और राइट साइड पे 9 को कैंसिल करने से 3 आ गया था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 जो है राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और 2 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके 9 माइनस x के साथ है मल्टीप्लाई हो गया। तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का x है, माइनस के 3x आ जाएंगे, और माइनस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 45 आ जाता है। दूसरी तरफ राइट साइड पे 2 जो है 9 से मल्टीप्लाई होगा, 18 हो गया, माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x हो गया। तो चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेफ्ट साइड पे लेके चलते हैं और नंबर्स को राइट साइड पे लेके आते हैं। 45 को राइट साइड पे लेके आए तो आके प्लस हो गया, 2x को लेफ्ट साइड पे लेके जाके तो लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो गया, माइनस के 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 18 प्लस 45। माइनस के 3x है, प्लस का 2x है, माइनस का x आ गया, और 18 और 45 को ऐड करें तो 63 आता है। वैल्यू हमने x की फाइंड करनी है, साथ माइनस है, माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला माइनस जो x के साथ है प्लस हो जाएगा, और चूंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन जो है दूसरी तरफ माइनस 63 आ जाएगा। इस तरह हमारा, या सिंपल ये है कि माइनस को दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस 63 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 63 आ गया है, और यही हमारी x की वैल्यू है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, स्मार्ट सिलेबस पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 कुछ यूं है, एक्स ओवर 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ओवर x माइनस 2। तो x उसी तरह नीचे आ गया, हम देख रहे हैं कि ओवर में 3x माइनस 6 है, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लिया तो अंदर x रह गया, और 3 टू द 6 और 2 रह गया। दूसरी साइड पे हमने x माइनस 2 LCM ले लिया, तो ये LCM x माइनस 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ओवर 2 के ओवर में कुछ नहीं है, तो 2 इंटू x माइनस 2 आ गया। अब x माइनस 2 से जब कैंसिल होगा 1 रह जाएगा, 1 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x ही आ गया। चूंकि 3 कॉमन ले रखा था दोनों तरफ ओवर में, लेफ्ट साइड पे 3 इंटू x माइनस 2 है, राइट साइड पे x माइनस 2 है, तो ये कैंसिल हो गया, x के ओवर में 3 रह गया, x ऊपर लिखा 3 नीचे लिख दिया, दूसरी तरफ x माइनस 2 कैंसिल हो गया था, वहां नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा राइट साइड पे तो 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4 आगे माइनस के 2x, ये प्लस के 2x और माइनस के 2x कैंसिल हो गया, तो x ओवर 3 इधर राइट साइड पे रह जाता है माइनस 4। अब 3 जो x को डिवाइड कर रहा है जाके माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उधर जाके राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12 आ जाता है। इस तरह x की वैल्यू हमारे पास माइनस 12 आ गई है, और यही हमारा हल सेट है। जी एक्सरसाइज 7.1 स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 9 है, 2 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 1। ज़्यादा पार्ट इसलिए दे रहा है इस एक्सरसाइज में से, क्यों अक्सर 95% जो एक पार्ट इम्तहान के अंदर आता है वो एक्सरसाइज 7.1 से ही होता है। तो इधर ये 2 उसी तरह आ गया, नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स पहले x का पहले स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी बन जाता है, तो बहुत दफ़ा ये फार्मूला हो चुका, जब अलहदा स्केयर हो तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, हमने x प्लस 1 लिख दिया इंटू x माइनस 1 और माइनस 1 ओवर x प्लस 1 लिख दिया, दूसरी साइड पे राइट साइड पे 1 ओवर x प्लस 1 उसी तरह आ गया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के अंदर कॉमन और अनकॉमन मेंबर्स होते हैं, x प्लस 1 इधर कॉमन है वो लिख दिया और x माइनस 1 उसी तरह आ गया। दूसरी राइट साइड पे 1 ओवर x प्लस 1 उसी तरह, तो जब एलसीएम लिया है 2 के ओवर में x प्लस 1 और x माइनस 1 है, 2 ही आ जाएगा। दूसरी साइड पे x प्लस 1 जो है x प्लस 1 से कैंसिल हो गया, माइनस 1 x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके x माइनस 1 ही आ गया। अब ओवर में देखें तो इधर लेफ्ट साइड पे x प्लस 1 और राइट साइड पे भी ओवर में x प्लस 1 है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ऊपर 2 इसी तरह माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस x हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ओवर में सिर्फ x माइनस 1 रह गया और राइट साइड पे सिर्फ 1 रह गया है।
ये जो लेफ्ट साइड पे ओवर में x माइनस वन है, राइट साइड पे जाके वन से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, क्योंकि वन जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें चेंज नहीं आती, x माइनस वन ही आ गया। इधर हमारे पास टू प्लस का है और वन प्लस का है, प्लस के थ्री हो गए, माइनस का x उसी तरह लिख दिया। अब राइट साइड पे पड़े हुए x को उठाकर लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, क्योंकि x की ही वैल्यू फाइंड करनी है, और थ्री जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है प्लस का, वो राइट साइड पे जाके माइनस हो गया। तो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस के टू एक्स हो गया, माइनस वन और माइनस थ्री माइनस के फोर हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। ये जो x के साथ टू मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके फोर को डिवाइड कर देता है। जब फोर को डिवाइड किया तो टू वन द टू और टू टू द फोर, x की वैल्यू टू आ जाती है, और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। अब एक्सरसाइज 7.1 ही है, क्वेश्चन नंबर वन ही है, और स्मार्ट सिलेबस का आखिरी पार्ट क्वेश्चन नंबर वन से, टू ओवर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। तो ये जो लेफ्ट साइड पे नंबर है 2 उसी तरह लिख दिया, और मैं देखें तो 3 फिर कॉमन नज़र आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया तो x आ गया, और 3 टू द 6 प्लस का 2 आ गया। दूसरी साइड पे चूंकि हमने एलसीएम लेने के लिए जाना है, तो बेहतरीन ये है कि 6 के फैक्टर बना दें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 ही होता है। आगे 1 ओवर 2, इधर 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 आ जाता है, यानी 2 वन द 2 और 2 टू द 4। अब जो लेफ्ट साइड है वो उसी तरह ही लिख दी, राइट साइड में हमने एलसीएम लिया, कॉमन कॉमन क्या है 2 वो लिख दिया, अनकॉमन क्या है 3 और x प्लस 2 वो लिख दिया। ये तो क्या है, अलजबरे के अंदर एलसीएम का मेथड क्या है, तरीकाकार क्या है, जो कॉमन मेंबर होता है वो एक दफ़ा, और जो अनकॉमन होते हैं, जो कॉमन नहीं होते, वो सारे मेंबर लिख दिए जाते हैं। ऐसा ही किया, लेफ्ट साइड पे 2 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2 आ चुका था, राइट साइड पे इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 3 भी गया और 2 भी कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 रह गया, एक्स प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 2 आ गया। आगे 2 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 रह जाता है, 3 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 द 3 आ गया। अब जब हम दोनों साइडों पे देखते हैं, ओवर में देखते हैं, तो एक्स प्लस 2 दोनों तरफ नज़र आ रहा है, और 3 भी कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 2 भी कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ रह गया 2, राइट साइड पे x प्लस 2 हमने लिख दिया, माइनस 3 लिख दिया, ओवर में सिर्फ 2 रह गया था, वो 2 भी लिख दिया। ये जो राइट साइड में ओवर में 2 है, लेफ्ट साइड पे जाके मौजूद 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 टू द 4 हो जाता है। इधर x उसी तरह लिख दिया, प्लस के 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 1 आ गया। 1 को भी उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, राइट साइड पे ये माइनस है 1, तो लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो गया। 4 प्लस 1 कितना हो जाता है 5, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गया। इस तरह इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास 5 है जी। तो अब हम इसी एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शुरू में वीडियो के अंदर स्लाइड पर रेडिकल इक्वेशंस लिखा हुआ था, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में रेडिकल इक्वेशंस को हल करना है। रेडिकल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन विद द वेरिएबल्स एंड नंबर्स इन स्क्वायर रूट इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन, यानी नंबर्स हो, वेरिएबल्स हो, इक्वेशन हो, और वो अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, यानी स्क्वायर रूट को हल करने जा रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा कहता है, सॉल्व एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस इफ एनी। तो जो पहला पार्ट है वो लिखा हुआ है, 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट या अंडर रूट इज इक्वल टू 2। तो अंडर रूट को ही तो खत्म करना है, स्क्वायर रूट को तो खत्म करना है, तो इसको सिंपल स्क्वायर रूट के खत्म करने का बेहतरीन तरीका कि स्क्वायर ले लें। तो इक्वेशन में हमने लेफ्ट साइड पे स्क्वायर लिया तो राइट साइड पे भी स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 3x प्लस 4 आ गया, दूसरी साइड पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ 4 प्लस का है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, 4 में से 4 माइनस करें तो 0। अब 3 इधर लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 3x के साथ है, राइट लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये 0 को डिवाइड करेगा, 0 को कोई डिवाइड करे, 0 से कोई मल्टीप्लाई हो, 0 ही हो जाता है, x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, लेकिन इसको अभी सॉल्यूशन सेट नहीं लिख सकते जब तक हमारा चेक पूरा नहीं होता। चेक के अंदर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए, तो चेक के अंदर हमने क्या किया,
3x+4 अंडर रूट इज इक्वल टू 2 लिखा और x की वैल्यू जो 0 आई है वो x की जगह पुट कर दी। 3 × 0+4 इज इक्वल टू 2, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आ गया और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है। 0 किसी में ऐड हो किसी से माइनस हो तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, 2 का स्क्वायर है और उसका स्क्वायर रूट लिख दिया और राइट साइड पे 2 ही है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब कैंसिल हो जाएंगे तो इधर लेफ्ट साइड पे भी 2 रह जाएगा, राइट साइड पे पहले 2 था। लो जी, चूंकि लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है चेक के अंदर, इसलिए अब हम जो हमारा x की हमारी x की वैल्यू 0 आई थी वो हमारा सॉल्यूशन सेट है, यानी एक्सट्रेनियस नहीं है, प्योर सॉल्यूशन सेट है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.1 स्मार्ट सिलेबस का दूसरा पार्ट वो है पार्ट नंबर 6 जो कुछ ही हुआ है। 2x+3 बाहर 3 लिखा हुआ है, इसको कहते हैं क्यूब रूट और राइट साइड पे x-2 उसका भी क्यूब रूट है। अब चूंकि क्यूब रूट है तो क्यूब से ही कैंसिल होगा, इसलिए हमने दोनों तरफ का क्यूब ले लिया। जब क्यूब लिया तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे 2x+3 और राइट साइड पे x-2 आ गया। राइट साइड से x को उठा के लेफ्ट पे लेके आए तो 2x-x हो गया, 3 को राइट साइड पे ले जाते हैं, -2 पहले था, 3 भी इधर लेफ्ट साइड राइट साइड पे आके माइनस हो गया, तो 2x में से x माइनस किया तो x और -2 और -3 माइनस के 5 हो गया, तो x की वैल्यू -5 आई है। अब चेक की तरफ चलते हैं, असल नंबर के अंदर x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, 2 सी तरह आएगा, x की जगह -5 पुट कर दिया और क्यूब रूट है, दूसरी राइट साइड पे भी x की जगह -5 पुट कर दिया और -2 सी तरह, तो 2 को जब -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10+3 आ जाता है, दूसरी साइड पे -2 और -5-7 हो जाता है और उसका क्यूब रूट उसी तरह लिख दिया, माइनस के 10 है प्लस के 3 है, माइनस का 7 क्यूब रूट आएगा, दूसरी साइड पे भी -7 का क्यूब रूट है, चूंकि दोनों साइडें इक्वल हैं, आगे हल करें या ना करें दोनों साइडें इक्वल हो चुकी हैं, इसलिए x की जो वैल्यू -5 आई थी वो हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का 2t+6 अंडर रूट -2t-5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो चूंकि हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, ये जो लेफ्ट साइड पे रकम पड़ी हुई थी 2t-5 अंडर रूट, इसको राइट साइड पे ले गया, उधर जाके प्लस हो जाएगी, 0 में प्लस होगी तो वही रहेगी, 0 ने कोई इस पर असर नहीं डालना क्योंकि 0 प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2t+6 अंडर रूट इज इक्वल टू 2t-5 अंडर रूट। तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, लेफ्ट साइड पे 2t+6 आ गया और राइट पे 2t-5 आ गया। ये जो राइट पे 2t पड़ा हुआ है इसको उठा के लेफ्ट पे ले आए 2t-2t और 6 जो है ये राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, 2t में से 2t माइनस करें तो 0 आता है, दूसरी साइड पे -5 और -6 है, -11 आता है। तो आप ये क्लियर होना चाहिए कि 0 -11 के इक्वल नहीं हो सकता, इक्वल नहीं आया। और दूसरा, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो खुद ही ख़त्म हो गया, इसलिए इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। जब नहीं है तो फिर सॉल्यूशन सेट होता क्या है, एम्प्टी सेट होता है, तो एम्प्टी सेट लिख दिया या फाई लिख दिया, फाई भी एम्प्टी सेट को जाहिर करता है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।